हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, की खबर? तो आज हम लोग आए हैं दुबई मॉल और आज के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग, क्योंकि कल है दुबई में नेशनल डे। जैसे हम लोग इंडिया में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही 2 दिसंबर को होता है दुबई में नेशनल डे। और यहाँ नेशनल डे के ओकेजन में हॉलीडेज रहते हैं, बहुत ऑफर्स रहते हैं, लोग कैंपिंग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फन करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो हम लोग थोड़ा सा दुबई मॉल घूमने आए थे और आज आप लोग को दिखाऊँगी मैं जो द वर्ल्ड्स ब्यूटिफुल फाउंटेन है दुबई मॉल का, मैं वो दिखाऊंगी आपको। और थोड़ा सा ब्लू बर्ज खलीफा का क्लिपिंग भी आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद आपको देखने के मिलेगा सरप्राइज कि हम लोग नेशनल डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं दुबई में। ओके, सो चलिए जल्दी को व्लॉग को शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हॉलीडेज है नेशनल डे के वजह से, और ये दुबई में टूरिस्ट सीजन भी है, तो आप यहाँ पे भीड़ देखिए लोगों का, इतना ज़्यादा क्राउडेड है। और हो भी क्यों ना, कोविड के बाद 2 साल लोग घर में लॉक्ड थे, तो अभी लोग बहुत ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। और इवन लाइक एक्सपो 2020 भी है, तो बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे। ये है दुबई का जो लार्जेस्ट एक्वेरियम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्वेरियम जो है वो बाहर से दुबई मॉल से दिखता है। तो ये उसका व्यू है, देखिए कितने सारे फिशेस हैं यहाँ पे। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself and realign yourself with the world, baby. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far. तो हम लोग अभी आ गए हैं बुर्ज खलीफा के पास फाउंटेन शो देखने के लिए। और भीड़ देखिए लोगों की गाइस, इतना भीड़ इन 2 सालों में मैंने नहीं देखा था कोविड के वजह से, बट अभी इतना क्राउडेड है, इतना क्राउडेड है। और अभी लाइवली फील हो रहा है दुबई, इतने 2 सालों में कोविड के वजह से बहुत ही ज़्यादा लाइक डेड डल था। और ये रहा द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा। Should be so.
आज है नेक्स्ट डे और हम लोग थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग करने आए थे और आज है 50th एनिवर्सरी यूएई का। और देखिए ना कितना सुंदर सब्जियों से इन लोगों ने जो है यूएई का फ्लैग बनाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। हेलो सो और आज है यूएई का नेशनल डे और हम लोग कल बहुत लेट आए थे थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग घूम के, जैसे आपने वीडियो में देख ही लिया इतना क्राउड था, तो वहाँ पे पार्किंग मिलना तो मुश्किल है ही, पार्किंग निकालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए और फिर वीडियो नहीं कर पाए हम लोग। और हम लोग इतना ज़्यादा कल घूमे भी नहीं, बहुत लेट भी हो गया था, हम लोग लेट ही निकले थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग के लिए, तो आज वहीं हम लोग रुकेंगे, तो आपको दिखाते हैं हम लोग कि कैसा कहाँ जाते हैं और कैसा एम्बियंस है उधर। और आई एम श्योर 100% वहाँ पे बहुत लोग आए होंगे, जैसे हम लोग इंडिया में नहीं जाते जनवरी के टाइम पे, तो वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो विंटर टाइम है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपिंग होता है। तो चलिए मेरे साथ और हमारे साथ और देखते हैं हम लोग क्या एंजॉय करते हैं, क्या होता है वहाँ पे। तो कैंपिंग के लिए एक्चुअली हम लोग जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग कैंपिंग के लिए? कोरफकान। तो हम लोग कोरफकान जा रहे हैं जो शारजा में है। ये एक बीच और हिल का कॉम्बिनेशन है, तो मैं भी हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं, तो हम लोग गए नहीं हैं आज तक, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। मैंने बहुत सुना है कि बहुत ही सुंदर है और हम लोग वहाँ पे सनराइज भी देखेंगे और होपफुली कल सनसेट तक रुकेंगे, ऐसा ही हमारा प्लान है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके बाय। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आ चुके हैं कैंपिंग के लोकेशन पे और हम लोगों ने टेंट वेंट सब लगा लिया है। यहाँ पे लाइट की बहुत कमी है, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ थोड़ा सा इंतज़ाम किया ज़रूर है लाइट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बारबेक्यू बना रहे हैं और ये फर्स्ट बैच चिकन का बन के रेडी हो गया है, लेकिन आपको मैं फर्स्ट पार्ट नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं सुबह का आपको सीन दिखाऊंगी, वो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख पाएगा। यहाँ पे अभी लाइट्स की बहुत कमी है, कल हम लोग बहुत अच्छे से व्लॉग करेंगे। हम लोग का एक बैच खाना हो भी गया है और अभी रात हो गया है ना, इसीलिए अभी भी मतलब लोग आ ही रहे, इतने लोग हैं। और आई होप कि मैं आपको दिखा पाती ये सब, लेकिन होपफुली मैं सुबह होते ही मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको। मे बी नेक्स्ट व्लॉग में भी जा सकता है वो वाला क्लिप, तो आप लोग मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि एवरी टाइम आई पुट न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। एंड लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, देखते रहिए और क्या होता है, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं है क्या करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अंधेरा होगा और हम लोग दिखाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। फिर भी देखिए, मैं अगर आपको घूम के अगर मैं दिखाऊं, ये सामने सी है जो आपको अभी शायद नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत अंधेरा है। और इधर सारे मतलब कैंप लगा के लोग बैठे हैं, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड है गाइस, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा आग यहाँ पे सुलग रहा है ऑलरेडी। तो आपको मैं हमारे रात का जो 1 BHK हमने तैयार किया है उसका एक स्नीक पीक दे देती हूँ। तो देखिए, टेंट में हमने अच्छे से अपना बिस्तर रेडी कर लिया है और बाहर हम लोग जो है चेयर पे बैठ के आराम से हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए लाफ स्माइल डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट स्टे हैप्पी एंड स्टे फाइन। और हम लोग थोड़ा मी टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।